हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका छोटा भाई वाजिद अली। तो दोस्तों, आज हम आए हुए हैं रामपुर। रामपुर के ही क्षेत्र में एक गांव पड़ता है वेनजीर। वेनजीर गांव के करीब में ही एक नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का कदम शरीफ है। वो वीडियो के माध्यम से कदम शरीफ आपको दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, और जो लोगों ने कर रखा है सब्सक्राइब, वो पूरी वीडियो नहीं देखते हैं। तो दोस्तों, आज सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नबी पाक के कदम शरीफ को हम दिखाने वाले हैं। तो इस वीडियो को सब लोग शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, राय दें, और इस वीडियो में जुड़े रहें, एंड तक वीडियो देखिए। तो दोस्तों, हम दिखाते हैं कदम शरीफ। तो चलिए दोस्तों, हम दिखाते हैं आपको कदम शरीफ और चलते हैं कदम शरीफ के यहाँ। तो दोस्तों देखिए, मैं सबसे पहले जो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नबी पाक का कदम शरीफ है वहाँ की स्टार्टिंग में कर चुका हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम दिखाएंगे जो पहरी बनी हुई है जो कदम शरीफ को जाने वाली है। तो दोस्तों, यहाँ देखिए पहरियों पे हम चल रहे हैं इस टाइम, और कदम शरीफ जो यहाँ बना हुआ है, और एक अच्छा गुम्मट और मीनार जो दरगाह कहा जा सकती है कदम शरीफ के लिए। तो दोस्तों, ये कदम शरीफ की ये बाहर का मेन जो ग्राउंड है वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि जो रामपुर के कलवे अली जो नवाब थे, ये सऊदी अरब से इस कदम शरीफ को लेकर आए थे, और इन्होंने वेनजीर गांव के पास इस कदम शरीफ को रखा था। और इस कदम शरीफ की और भी खासियत आपको हम बताने वाले हैं दोस्तों, कदम शरीफ की खासियत, और वो कदम शरीफ कहाँ इस टाइम है। उस कदम शरीफ के पास हम जाएंगे जो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का कदम शरीफ है, उस कदम शरीफ को हम दिखाएंगे भी। और सबसे दोस्तों, कदम शरीफ देखने से पहले आप ये मेन गेट देखिए, जो आप एंट्री करेंगे कदम शरीफ को देखने के लिए, तो ये मेन गेट है। अन्य और चीज़ें भी हम आपको अपने ब्लॉग वीडियो के माध्यम से दिखाने वाले हैं दोस्तों। ये रामपुर में कदम शरीफ है, कुछ लोगों ने देखा होगा, कुछ लोगों ने नहीं देखा होगा। तो दोस्तों, हम चलते हैं, वीडियो स्टार्ट कर चुके हैं, काफ़ी समय हो चुका है, और कदम शरीफ हम आपको दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों, हम कदम शरीफ के अंदर जो दरगाह है वहाँ आ चुके हैं। तो देखिए दोस्तों, कितना खूबसूरत जन्नत सा एक नज़ारा है। ऊपर का ग्राउंड भी मैं दिखाना चाहूँगा कि दोस्तों देखिए, जहाँ कदम शरीफ है नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का, जो नबी है उनका जो कदम शरीफ है यहाँ पर है। और ये देखिए गुम्मट का नज़ारा है, ये कितना खूबसूरत नज़ारा है। आपने शायद देखा तो होगा, लेकिन ऐसा नज़ारा अभी तक आपने नहीं देखा होगा। अच्छी हवा चल रही है, खूबसूरत नज़ारा है। और दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए हम दिखाते हैं जो नबी पाक का जो कदम शरीफ है वो कहाँ पर है और किस तरह है। तो यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे हम कहेंगे कदम शरीफ दिखाएं कि कदम शरीफ जो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का कदम शरीफ है। तो दोस्तों, ये देखिए वीडियो के माध्यम से ये कदम शरीफ, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ये कदम शरीफ है, यहाँ लोग देखने के लिए आते हैं। और जो नाज़रीन हैं यहाँ के, उनसे हमारी बातचीत हुई कि जो लोग यहाँ देखने आते हैं कि इस कदम शरीफ का दीदार करते हैं, और जो दुआएं मांगते हैं दुआएं भी पूरी होती हैं, और बहुत सारी समस्याएं यहाँ दूर होती हैं यहाँ आने से। तो दोस्तों, यहाँ की और भी खासियत हम आपको दिखाने वाले हैं। देखिए, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जो कदम शरीफ है, कितना खूबसूरत नज़ारा है, आप देख सकते हैं साफ तस्वीरों में। यहाँ और मुरीद भी आते हैं और लोग भी आते हैं, उन लोगों का कहना ये है कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का कदम शरीफ देखने के लिए आता है, उसकी मुरादें पूरी हो जाती हैं। जो भी मन में अपने लेकर आता है, कि एक बार हम आपको और दिखाना चाहते हैं कदम शरीफ। देखिए, नबी पाक का कदम शरीफ है ये, जो कि रामपुर के कल्बे अली जो नवाब थे वो इस कदम शरीफ को सऊदी अरब से लेकर आए थे। तो दोस्तों, ये है नबी पाक का कदम शरीफ। तो दोस्तों, आपने देखा कि नबी पाक का कदम शरीफ है ये। इस ब्लॉग वीडियो के माध्यम से हमने आपको वो जन्नत का नज़ारा कराया जो आपने शायद नहीं किया होगा। तो दोस्तों, मैं भी आपसे यही कहूँगा कि एक बार आएँ और कदम शरीफ ज़रूर देखें। तो दोस्तों, ये रामपुर में है, और रामपुर की और भी बहुत सारी खूबियाँ हैं। तो दोस्तों, ये कदम शरीफ है रामपुर में, नबी पाक का जो कदम शरीफ है, ये वो कदम शरीफ है नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का, यहाँ रामपुर में बना हुआ है, और एक बेनज़ीर गांव है, यहाँ बेनज़ीर गांव में ये बना हुआ है। तो दोस्तों देखिए, ये ऊपर का नज़ारा मैं आपको दिखाऊंगा, जंजीरें लटक रही हैं, खूबसूरत नज़ारा है। और जो लोग यहाँ आते हैं वो लोग भी यहाँ अपनी मनोकामनाएँ पूरी लेकर जाते हैं। तो दोस्तों, मैं बाहर का नज़ारा दिखाना चाहूँगा, जो बाहर का नज़ारा है, ये दूसरा गेट है,
और भी हम और आपको गेट दिखाने वाले हैं और जो खासियत है यहाँ की वो भी आपको हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, जो लोग वीडियो देख रहे हैं जिन्होंने अभी नहीं किया है, फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो एंड तक देखिए। तो दोस्तों ये जो कदम शरीफ है, कदम शरीफ का जो बाहर का गुम्मट है दोस्तों मैं आपको दिखा दूँ, देखिए काफ़ी पुराना हो चुका है और चुनिया ईंट से ये बना हुआ है। तो दोस्तों देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, यहाँ का ग्राउंड भी हम आपको दिखाएंगे अपने ब्लॉग वीडियो के माध्यम से और यहाँ की जो और खासियतें हैं वो भी हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों एक ख़ास बात यहाँ की यह है कि अगर कोई यहाँ का नज़ारा करने के लिए आता है तो पक्षियों के लिए पानी भी यहाँ पर रखा जाता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ का ये एक खूबसूरत नज़ारा, पक्षियों के लिए चना वगैरह चावल वगैरह भी यहाँ डाले जाते हैं, जो पक्षी हैं यहाँ अपनी भूख मिटाते हैं। तो दोस्तों यहाँ की एक खासियत और है कि जो एक कुआ है, बताया जाता है कुआ भी इस जगह पर है बना हुआ, वो भी कुआ हम आपको दिखाने वाले हैं जो कदम शरीफ के ही जस्ट बराबर से बना हुआ है। बताया जा रहा है कि कदम शरीफ के चारों कोनों पर ही चार कुएं हैं। उनकी खास बात यह है कि जो पक्षी हैं वो यहाँ पे पानी अन्य और जो भी भोजन लेते हैं वो यहाँ पर लेते हैं। देखिए ये बहुत पुराना कुआ है दोस्तों, मैं कुआ दिखा दूँ आपको, अभी पट चुका है ये कुआ। तो दोस्तों आज हम वो वीडियो आपको दिखा रहे हैं जो शायद आपने नहीं देखी होगी। तो दोस्तों जो लोग अभी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें अपनी राय दीजिए वो किस तरह की वीडियो आप देखना चाहते हैं। तो दोस्तों ये है कदम शरीफ का नज़ारा और आपको एक और तरीके से दिखा देता हूँ मैं, जो कदम शरीफ है वो कितना खूबसूरत नज़ारा है और यहाँ लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, अपनी मनोकामनाएँ लेकर के पूरी हो जाती हैं तो वापस लौट जाते हैं। तो दोस्तों चार गेट हैं, चारों गेट अभी आपको हमने नहीं दिखाए हैं लेकिन अपनी व्लॉग वीडियो के माध्यम से वो चारों गेट भी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों चारों कोनों पर चार कुएं हैं और वहां पर पक्षियों के लिए अलग पानी चारा जो भी यहां दिया जाता है वो रखा हुआ है। तो दोस्तों इसका तीसरा गेट ये है कदम शरीफ का और एक गेट और है, वो गेट भी हम आपको दिखाने वाले हैं। जालियाँ बनी हुई हैं, जालियों पर जो अपनी जो यहाँ मुरीद आते हैं नबी पाक का जो कदम शरीफ है देखने के लिए, धागा पिंडी जो भी बांध करके जाते हैं वो लोग अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए बांधते हैं। तो दोस्तों ये कदम शरीफ का जो चौथा गेट है, तो ये देखिए दोस्तों कदम शरीफ का ये चौथा गेट है, हमने अपनी वीडियो के माध्यम से दिखा रहे हैं आपको चौथा गेट, ये जिसे चार गेट हैं, चारों गेट हमने आपको अपनी वीडियो के माध्यम से दिखाए हैं। तो दोस्तों यहाँ जो भी रामपुर मुरादाबाद बरेली अन्य जगह बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं कदम शरीफ को देखने के लिए, दीदार करने के लिए, ये देखने के लिए लोग खास करके आते हैं कि कदम शरीफ कहाँ से और कैसे आया। तो दोस्तों हमने अपने ब्लॉग वीडियो के माध्यम से दिखाया कि किस तरह से एक जो कुआ है उसको बंद कर दिया गया है, वो भी दिखाना चाहूँगा। तो दोस्तों ये नल है, यहाँ पर लोग जो भी आते हैं प्यासे या जो भी यहाँ पर पानी पीते हैं और अपनी प्यास बुझाते हैं। तो दोस्तों मैं वो एक चीज़ और आपको दिखाना चाहूँगा, जो कुआ है पक्षियों के लिए वहाँ पर कुछ रखा हुए हैं और वहाँ उन पक्षियों को दिखाना चाहूँगा, पानी पीने की व्यवस्था भी, उस कुएँ को बंद कर दिया गया है। तो दोस्तों ये वो कुआ है जो पक्षियों के लिए यहाँ पर चारा पानी व्यवस्था ये सब चीज़ की जाती है। तो दोस्तों देखिए मैं दिखाना चाहूँगा कि इसको बंद कर दिया गया है, केवल यहाँ पक्षियों के लिए एक अच्छा सुविधा पानी चारे के लिए कर रखी है। तो दोस्तों दूर दूर से लोग आते हैं अपनी मनोकामनाएं लेकर के और करते हैं पूरी। और तो दोस्तों देखिए हमने आज अपने ब्लॉग वीडियो के माध्यम से रामपुर में जो कदम शरीफ था वो दिखाया और इसकी खासियत बताई, जो लोग आते हैं यहाँ, खूबसूरती की अगर बात की जाए तो काफ़ी खूबसूरती देखी जा रही है, अच्छे पेड़ पौधे लगे हुए हैं और जो पक्षी हैं, पक्षियों की चेंचें आप भी सुन रहे होंगे किस तरह से पक्षी हैं। तो दोस्तों ये रामपुर के बेनज़ीर गांव के पास कदम शरीफ है, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कदम शरीफ है। तो दोस्तों हमने आज अपने MG रिज़वी ब्लॉग वीडियो के माध्यम से दिखाया कि कदम शरीफ। तो दोस्तों जिन लोगों ने ये वीडियो देखी है कैसी लगी अपनी राय दें, सब लोग बताएं। खासियत यही है कि जो रामपुर के कलवे अली नवाब खां थे वो सऊदी अरब से नबी पाक का कदम शरीफ यहाँ लाए थे और यहाँ बेनज़ीर गांव के पास यहाँ रखा था, यहाँ अच्छा खूबसूरत जन्नत सा नज़ारा है। तो दोस्तों जो लोग नहीं आए हैं वो लोग आएँ एक बार,
यहाँ आकर के बेनजीर गांव के पास जो कदम शरीफ है नबी पाक का, उसको देखें, दीदार करें, जो दिल में तमन्नाएं हैं दूर हो जाती हैं। आप लोगों को हमने एमजी रिज़वी ब्लॉग वीडियो के माध्यम से ये दिखाया है कि कदम शरीफ कहाँ है, कौन सी जगह है, और बताया कि कौन इसको लाया था और कैसे यहाँ रखा गया है। तो दोस्तों, यहाँ के लोगों से हमने पूछा, उनका भी कहना ये है कि यहाँ जो नबी पाक का जो कदम शरीफ है उसका दीदार करने के लिए जो आते हैं, तो उस टाइम जो अपने दिल में मनोकामनाएं लेकर आते हैं, मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो दोस्तों, बिल्डिंग आप मेरे पीछे देख भी रहे हैं, गुम्मट कह सकते हैं, मजार कह सकते हैं नबी पाक का, और इसको क्या कुछ नहीं कहा जा सकता, एक जन्नत का नज़ारा है। तो दोस्तों, मैंने आपको वो चीज़ सारी दिखाई है आपको जो शायद आपने नहीं देखी होगी। तो दोस्तों, मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि जो लोगों यहाँ नहीं आए हैं वो लोग आएँ और कदम शरीफ का दीदार करें। तो जी हाँ दोस्तों, मैं आपसे बस एक बात यही अपील करूँगा कि जो लोग अभी हमसे नहीं जुड़े हैं, वीडियो एंड तक देखें, और जिन लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में।